में जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। तीन दिन पहले हुई इस घटना में कई लोग घायल हो गए थे, जिसका एक वीडियो अब सामने आया। इस वीडियो में दो आदमी एक बुजुर्ग को लाठियों से बुरी तरह पीटते दिखाई दिए। मारपीट के दौरान बुजुर्ग खेत में ही गिर गया, लेकिन पिटाई कर रहे लोगों के हाथ नहीं थमे और वो लगातार उस पर लाठियों से हमला करते रहे। हालांकि इस बीच कुछ लोग वहां पहुंचे और बीच बचाव की कोशिश करते नजर आए, लेकिन हमलावरों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। बुजुर्ग को बुरी तरह जख्मी करने के बाद दोनों आरोपी परिवार के दूसरे लोगों पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। इस हमले में तीन लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भिजवा दिया गया। पिताजी आए, उनको मारा गया, सर फट गया। मेरा बेटा है विवेक चौबे, इसको मारा गया, सर फट गया। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके की झुग्गी बस्ती में बीती रात अचानक आग लग गई। इस भीषण आग में करीब 1200 झुग्गियां जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड को आग लगने की जानकारी रात करीब 1 बजे मिली। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जब मौके पर पहुंची तो आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दे रही थी। इस आग में लोगों का लाखों का सामान जलकर राख हो गया। राहत की बात यह है कि अभी तक की जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन कई परिवार बेघर हो गए। कुछ गैस सिलेंडर्स वगैरह फटे थे यहाँ पर, और कैजुअल्टी अभी कोई रिपोर्टेड नहीं है। बाद में जो है चेक करके बाद में बताया जा सकता है। सर, ये किस वजह से आग इतनी ज़्यादा फैल गई है? कुछ आप देख ही रहे हैं, कुछ सिलेंडर वगैरह भी फटे हैं यहाँ पर, और सारा जलने वाला ही मटीरियल है। ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो बचाव इन्होंने कर रखा हो। तो एग्जैक्ट तो क्या बताएंगे कि कैसे लगी आग, तो जांच का विषय है वो तो बात। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी क्रिकेट खेलने के लिए हरियाणा के सोनीपत पहुंच गए। मैच के वीडियो में सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन साफ दिखा, क्योंकि न तो किसी ने मास्क पहना और न ही किसी को 2 गज की दूरी याद रही। तपती धूप में खिलाड़ी आम दिनों की तरह मैदान पर क्रिकेट खेलते दिखे। खुद मनोज तिवारी ने भी बल्लेबाजी की। एक वीडियो में वो हाथों में दस्ताने, पैरों पर बंधे पैड और सिर पर हेलमेट पहनकर कुर्सी पर बैठे दिखे। मनोज तिवारी के आसपास कई लोग दिखे, लेकिन न तो कुर्सियों के बीच कोई फासला दिखा और न ही खड़े हुए लोगों को दूरी बनाए रखना ध्यान रहा। एक शख्स ने मनोज तिवारी के लिए गाना सुनाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में मनोज तिवारी ने भी गाना सुनाया, लेकिन तब तक वो खिलाड़ी वाली पोशाक बदल चुके थे। लाएगी बड़ा सवेरा। मनोज तिवारी के साथ और उनके पीछे कई लोग खड़े दिखे, लेकिन किसी एक का भी चेहरा ढका हुआ नहीं दिखा। सामने भी लोग एक दूसरे के बेहद करीब खड़े रहे, लेकिन गाना सुना रहे मनोज तिवारी ने भी उन्हें सावधान नहीं किया। मैच के बाद का मनोज तिवारी का एक बयान सामने आया, जिसमें वो दूरी बनाकर सतर्क रहने को कहते दिखे, लेकिन ये बयान भी उन्होंने एक सोफे पर दो लोगों के बीच में बिना फासले के बैठ कर दिया। कोरोना संकट से जूझ रहे हम सब, फिजिकल डिस्टेंसिंग, सतर्कता, इससे हम बच रहे हैं। मनोज तिवारी पर सवाल इसलिए भी उठे क्योंकि इस मैच के लिए उन्हें दिल्ली से चलकर हरियाणा के सोनीपत में जाना पड़ा, जबकि दिल्ली और हरियाणा की सीमाएं पूरी तरह सील है। यहाँ तक कि डॉक्टरों, पुलिस वालों और मीडिया कर्मियों को भी हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पार करने की इजाजत नहीं है। लेकिन क्रिकेट मैच खेलने जा रहे मनोज तिवारी के लिए बॉर्डर खोल दिए गए, इसीलिए आम आदमी पार्टी ने हमले का मौका नहीं छोड़ा। आप एक तरफ डॉक्टर्स को और दिल्ली में काम करने वाले कोरोना योद्धाओं के भी हरियाणा प्रवेश में रोक लगाते हैं, वहीं दूसरी तरफ मनोज तिवारी जी को आपने कैसे वहां पर खेलने की और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लेने की छूट दे दी। रविवार को खेले गए मैच के वीडियो आते ही मनोज तिवारी पर हमले तेज हो गए, इसलिए मनोज तिवारी को सफाई देनी पड़ी। खेल एक्टिविटी शुरू करने का नियम हो चुका है, केवल आपत्ति है, अभी मनाही है तो राजनीतिक और धार्मिक गतिविधि पर, और मैंने पूरी तरह से उसका पालन किया है। अब जिसकी नियत में खोट है उसको हम क्या कर सकते हैं। चौथे लॉकडाउन के दिशा निर्देशों में केंद्र सरकार ने खेल के स्टेडियम खोलने की इजाजत दी थी, लेकिन मैच के अलग अलग वीडियो में कुछ महिलाएं भी दिखी, जबकि केंद्र के दिशा निर्देशों के मुताबिक स्टेडियम में केवल खिलाड़ियों को आने की छूट है। न तो खिलाड़ियों या स्टाफ के अलावा कोई मैदान पर आ सकता है और न ही भीड़ जुटाई जा सकती है। उधर लखनऊ में बीती रात हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। ये बदमाश कुछ दिन पहले ही लखनऊ में एक घर में हुई लूट के मामले में आरोपी थी और मुठभेड़ के वक्त लूट का माल बेचने जा रहा था।
इस मुठभेड़ में गोली लगने से वीरेंद्र यादव नाम का ये बदमाश घायल भी हो गया। इस बदमाश के पास से लूटे गए सोने और चांदी के आभूषण और 20,000 रुपए नकद बरामद किया गया। मुखबिरी सूचना पे हम जब चेकिंग कर रहे थे तो क्राइम ब्रांच और जो मड़ियाव थाने की पुलिस थी वो सन्नी रूप से इसमें चेकिंग कर रही थी और जब उसको रोका गया तो उसने पुलिस में मल्टीपल फायर किए जिसमें वो उसका पीछा कर और भागा, फिर उसके पीछा किया गया जिसमें ये घायल हुआ है। और फिर जब इसको हॉस्पिटल ले जा रहे थे तब इसने अपना नाम जो है वीरेंद्र यादव बताया और उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये मड़ियाव वाली घटना वो किया है। तकरीबन 20,000 के आसपास अभी कैश भी मिला है और बाकी एक उसके बैग से 2 कारतूस भी मिले हैं और एक तमंचा भी है। हांगकांग में चीन के विवादित नेशनल सिक्योरिटी बिल के खिलाफ सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हो गई। इस बिल के तहत चीन हांगकांग में कई तरह की पाबंदियां लगा सकेगा, लेकिन चीन के इस कदम का हांगकांग में जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। कोरोना के खतरे के बावजूद सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों ने वहां तैनात पुलिस की भी परवाह नहीं की और आगे बढ़ते रहे। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी। आंसू गैस के गोले दागकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश की गई। पुलिस के इस कदम से वहां भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। प्रदर्शन कर रहे कुछ लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए जिन्हें हिरासत में ले लिया गया। हालांकि सख्ती के बावजूद लोगों का प्रदर्शन